हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज के ब्लॉग की शुरुआत है रात के 12:30 बजे। मैं हूं अपने भैया के साथ और हम दोनों जा रहे हैं वाराणसी में नाइट आउट करने के लिए, क्योंकि अभी श्रावण का महीना चल रहा है। बहुत सारे श्रद्धालु काशी में आ रहे हैं, जो बोलबम का यात्रा पर आते हैं, कांवड़ यात्रा पर आते हैं, बहुत सारी क्राउड हो रही है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, इन्जॉय करने का। अभी हमारे घर के पास बहुत सारे डीजे निकल रहे हैं, तो देखते हैं कहीं मस्ती करेंगे, और साथ अपना हम लोग स्पीकर भी ले जा रहे हैं, तो मस्ती उस्ती करेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या कर पाते हैं, क्योंकि अभी हमने सब प्लान करा है, बट बाहर में क्या माहौल होगा हमें बिल्कुल नहीं पता है। चलिए फटाफट मस्ती करके आते हैं और आप लोगों भी मस्ती कराते हैं। गाइस, ये देखिए पूरी लाइन लगी हुई है बाबा के दर्शन पाने के लिए। ये सारे श्रद्धालु आए हुए हैं और अभी रात के बज रहे हैं 12:45 और सुबह दर्शन होगा, सुबह का पाठ खुलेगा, तब तक लोग ऐसे रहेंगे। देखिए तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं 80 साइट, 80 लंका BHU पूरा घूम कर आएंगे, उसके बाद 10 समेट साइट जाएंगे, क्योंकि अभी ना काफ़ी स्ट्रिक्टनेस हो गई है, तो नॉर्मल रोड से जाने का नहीं मिलेगा। सो हम लोग कोई और शॉर्टकट लगाएंगे, दूसरी गली से घुसा कर जाएंगे। तो उससे पहले हम लोग चलते हैं, क्योंकि एक बार अंदर घुस जाएंगे तो फिर निकलना थोड़ा सा मुश्किल होएगा। तो पहले घूम कर आएंगे, उसके बाद चलेंगे घाट साइड एंटर करें। फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए 80 घाट। ये दिख रहा है रात के 1 बजने वाले हैं, और ये देखिए यहाँ लोग सोए हुए हैं और लोग मस्ती कर रहे हैं। ये गंगा आरती प्लेस है, यहाँ गंगा आरती होती है, गंगा आरती वहाँ होती है, और हम लोग ऐसे वॉक करके जा रहे हैं, ऐसे घाट वॉक करेंगे, और उधर भदैनी साइड में कुछ जगह मिलेगा तो वहाँ बैठेंगे आराम से सीढ़ियों पर। फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए हैं जैन घाट पर, और यहाँ हम लोग अपना म्यूजिक ऑन कर दिया है और एंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स, रात के 1:30 बजे देखिए क्या माहौल है, लोग मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यही खास बात है वाराणसी की, ऐसा कहा जाता है काशी कभी नहीं सोती है। गाइस, यहाँ पर गैंग वार हो गया है, दो ग्रुप के बीच में कोई दूसरा डॉगी इनके एरिया में आ गया है, देखिए ये लपेटे में ले रहे हैं। अभी सुबह के बजाय 3:40 और अभी हम लोग काफ़ी यहाँ एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर हमने लोगों की डिमांड के हिसाब से भोजपुरी गाने बजाए और महादेव के गाने बजाए, और अब सुबह हो गई है, मतलब अर्ली मॉर्निंग है, तो हम लोग यहाँ पर भक्ति गाने बजा रहे हैं और मज़ा आ रहा है। लोग यहाँ पर लेटे हुए हैं, सामने जो पंडित जी लोग होते हैं वो भी बैठे हुए हैं, लोग गंगा स्नान कर रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो लोग काफ़ी अच्छा लग रहा है, वाइब काफ़ी अच्छी आ रही है, तो हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं। हालांकि अभी हाथ निकलेंगे, क्योंकि हम लोग प्लान कर रहे थे 1-2 घंटा इन्जॉय करेंगे फिर जाएंगे, बट इतने 50-60 लोग यहाँ बैठ गए थे, लोग इन्जॉय करने लगे थे स्पीकर के साथ, तो हम लोग लाइक वो वाइब जो क्रिएट हुई थी ना उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाह रहे, तो हम लोग यहाँ रुक गए। बट अब यहाँ निकलेंगे तो घूमते हुए गोदौलिया के साइड, हमें डर लग रहा है कि आज मंडे हो गया है तो यहाँ काफ़ी क्राउड हो जाती है दर्शनार्थियों की, तो जो रास्ता होता है ना गोदौलिया वाला वो बंद हो जाता है, तो आई डोंट नो अगर हमें उधर जाने मिलेगा तो ठीक है, अदरवाइज फिर सिगरा साइड होते हुए घर जाएंगे।
मैं किसी और को हो ना पाऊंगा, मेरे जख्म को मरहम ना। फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुंच गए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, ये सामने दिख रहा गेट नंबर 4 और अब हम लोग यहाँ लाइन में लगेंगे और फटाफट चल के दर्शन पाएंगे बाबा के। हालांकि फ़ोन अंदर अलाउ नहीं है तो हम लोग फ़ोन बाहर ही सबमिट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए गेट नंबर 4 है और यहाँ लाही बाबा के दर्शन हो रहे हैं। और फिलहाल अभी लास्ट टाइम जब मैं आया था तो जो फ्री लॉकर होते हैं ना वो उस साइड में बैक साइड में था, बट अभी चेंज हो गया, आई थिंक इधर कहीं है, तो वही मैं पहुँच रहा हूँ। फिलहाल अभी हम लोग का दर्शन हो गया है तो अब यहाँ से निकल रहे हैं। फ्रेंड्स ये रहा मणिकर्णिका द्वार, ये इस द्वार से जितनी भी डेड बॉडीज़ होती हैं मणिकर्णिका घाट जाने के लिए यहीं से इंटर करती हैं, यहीं सारी जाती हैं, सारी डेड बॉडीज आती हैं, इस साइड से आती हैं मैलागिन साइड से फिर यहाँ पर, और इसके अंदर में जो रखा जाता है बॉडीज़ को ना हॉल्ट होता है रुकने के लिए, वहाँ 5 मिनट रुकती है उसके बाद अंदर जाता है पूरा। क्या हमें डर रखा ना ये बैरिकेड लगने का बंद है, हालांकि बंद हो गया बट हम कोशिश करेंगे डेफिनेट निकल जाएँ कहीं ना कहीं से, बनारस में जुगाड़ू होते हैं हम लोग, साइड से देखें हम लोग निकल रहे हैं। एक्चुअली होता है क्या ना, जो लोकल्स होते हैं ना उनको कितना ही कंट्रोल करें, उनका डेली लाइफ रूटीन सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा इसलिए जाने देते हैं। निकल गया, खुल गया, निकलो 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 फटाफट। ये देखिए उधर से भी लोग फाइनली आ गए हम लोग इस साइड। कार्तिक के दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए बाबा के दर्शन पाने के लिए रुके हुए हैं। फ्रेंड्स अभी हम लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, पूरे शहर हम लोग घूम रहे हैं, गिड़ी मार रहे हैं बाइक में और म्यूज़िक हमारे साथ में बज रहा है महादेव जी का, मज़ा आ रहा सुबह सुबह। और अभी सुबह सुबह ना बहुत सारे भक्तगण आने लग गए हैं क्योंकि सामने कैंट रेलवे स्टेशन है उस साइड से आ रहे हैं, चलिए और घूमते हैं मस्ती करते हैं। फ्रेंड्स अभी मैं आ गया हूँ घर में और अभी जा रहे हैं थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद नहा धोकर पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद फिर सोएंगे क्योंकि मेरा व्रत है तो कुछ खाना पीना है नहीं। तो चलिए अभी ये ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो रहा है तो इस ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।